A very good morning to my all dear students. Today I am going to continue your chapter 11 in the Bazaars of Hyderabad, written by Sarojini Naidu. ये poem सरोजनी नायडू ने लिखी है और yesterday I have explained you this poem line by line. And today I'm going to continue it with words, word and meanings, and short answered questions and some exercises. So first word is wares, items sold by shopkeeper, means ऐसे सामान, wares ऐसे सामान को कहते हैं जो शॉपकीपर्स दुकानों में रख करके शॉपकीपर्स बेचते हैं. क्रिम्सन, ये रेड कलर का एक शेड होता है, ये होता है बहुत डार्क सा रेड, चटकीला वाला. ब्रोकेड, ब्रोकेड होता है वोवन सिल्क क्लॉथ, सिल्क का ऐसा कपड़ा जिसके अंदर कुछ बुनाई या कहें कि कुछ कढ़ाई की जाती है. एम्बर, येलोइश ब्राउन, या इसको गोल्ड भी बोलते हैं, ये भी एक शेड होता है कलर. नेक्स्ट डैगर्स, डैगर्स होते हैं शॉर्ट स्वॉर्ड, मीन्स चाकू से बड़े और तलवार से छोटे, दैट इज कॉल्ड डैगर्स. नेक्स्ट जेड, ग्रीन प्रेशियस स्टोन, जेड कहते हैं हरे रंग का एक कीमती पत्थर होता है. नग, वेंडर, वेंडर मीन्स अ स्मॉल शॉपकीपर, वेंडर मीन्स छोटा दुकानदार. पेडलर, अ ट्रेवलिंग सेलर, जो पैदल चल के अपना सामान बेचता है, जगह जगह जाकर अपना सामान बेचता है, जिसकी एक फिक्स्ड शॉप नहीं होती, मीन्स फेरी वाला. फ्रेल, वीक, कमज़ोर. गिर्डल्स, बेल्ट. स्कैबार्ड्स, शीट्स फॉर स्वॉर्ड्स, मीन्स तलवारों को रखने के लिए जो म्यान या कवर बनाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड स्कैबार्ड्स. सितार, सितार मीन्स सितार, सितार हम हिंदी में बोलते हैं और हैदराबाद के लोग हिंदी इसी तरीके से बोलते हैं. नेक्स्ट एयोन्स, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबा टाइम स्पेन, इज कॉल्ड एओन. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट इज व्हाट डू द मर्चेंट्स सेल, मर्चेंट्स क्या चीज़ें बेच रहे थे, क्या चीज़ें वो सेल करने के लिए उन्होंने रखी हुई थी. एंड द आंसर इज द मर्चेंट्स सेल रिचली कलर्ड आइटम्स ऑफ सिल्क, वो सिल्क के कुछ कपड़े बेच रहे थे जो बहुत सुंदर रंगों वाले थे, बहुत सुंदर कलर्स में थे. एंड ब्रोकेड, सिल्क एंड ब्रोकेड, ये कपड़ों की वैरायटी है. और स्वॉर्ड्स एंड मिरर्स, और वो तलवारें बेच रहे थे, शीशे बेच रहे थे. विद प्रेशियस स्टोन्स मीन्स उन तलवारों के ऊपर भी अच्छे उसकी मूठ जिसको बोलते हैं, हैंडल जहाँ से उसको पकड़ते हैं, उसके ऊपर अच्छे महंगे वाले स्टोन्स, नग लगे हुए थे. मिरर्स के साइड में फ्रेम में लगे हुए थे. फिर टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, पगड़ियाँ बेच रहे थे वो जो क्रिम्सन, डार्क रेड और सिल्वर कलर में थी. एंड ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, पोशाकें बेच रहे थे वो जो पर्पल कलर के, बैंगनी रंग के ब्रोकेड के कपड़े से बनी हुई थी. और वो मिरर्स बेच रहे थे, डैगर्स बेच रहे थे, बहुत सारे सामान थे. आपने कल पोएम में सुना है, आपको पता है कि डैगर्स क्या होते हैं, ब्रोकेड क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. नाउ नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज डिस्क्राइब द इमेजेस विच आर यूज्ड टू डिपिक्ट साउंड इन द पोएम. ऐसे वर्ड्स हमें बताने हैं जिनकी सहायता से साउंड्स को बताया गया है.
तो द इमेजेस विच आर यूज टू डिपिक्ट साउंड इन द पोएम आर क्राइंग आउट, जोर से चिल्लाना, प्लेइंग ऑफ मीन्स बजाना, चैंटिंग, चैंटिंग मीन्स मंत्र बोलना एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स के साथ उन्होंने साउंड्स को डिपिक्ट किया है, बताया है. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट डू द गोल्ड स्मिथ्स मेक. गोल्ड स्मिथ माने सुनार. सुनार क्या बना रहे हैं, क्या कुछ बनाते हैं वो. द आंसर इज द गोल्ड स्मिथ्स मेक रिस्टलेट्स एंड एंकलेट्स एंड रिंग्स. रिस्टलेट्स मीन्स कलाई में पहने जाने वाला, जिसको हम आजकल कहते हैं ब्रेसलेट्स. एंकलेट्स मीन्स पायल, रिंग्स अंगूठी, ऐसी चीज़ें बनाते हैं. और क्या बनाते हैं, बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, और वो ब्लू पिजन्स के पैरों में बांधने के लिए छोटी छोटी सी बेल्स बनाते हैं. गिर्डल्स ऑफ गोल्ड मीन्स गोल्ड की बेल्ट या कमरधनी बोलते हैं उसको, ये बेसिकली डांसर्स पहनते हैं इसको, वो बनाते हैं. स्कैबगार्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग्स, और किंग्स के लिए तलवारों को रखने के लिए सोने की म्यानिर बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डू द फ्लावर गर्ल्स वीव. फ्लावर गर्ल्स फूलों वाली लड़कियां, फूल बेचने वाली लड़कियां क्या बनाती हैं, क्या बना रही हैं वो. और द फ्लावर गर्ल्स वीव क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम. क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा, दूल्हे के का सेहरा बनाती हैं वो. और क्या बनाती हैं, चैपलेट्स टू गार्लैंड्स, गार्लैंड हिज बेड, और उसके बेड को सजाने के लिए फूलों की मालाएं बनाती हैं. एंड शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स टू कवर द कवर एंड परफ्यूम द डेड बॉडीज. और एक तरफ तो खुशियों में शादी के लिए सेहरे बना रही हैं, और दूल्हे के कमरे को बेड को सजाने के लिए फ्लावर्स की मालाएं बना रही हैं, और दूसरी तरफ वो डेड बॉडीज़ को के ऊपर चढ़ाने के लिए फूलों की चादर बनाती हैं. नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट डू द मैजिशियन चेंट. मैजिशियंस जादूगर कौन से मंत्र पढ़ते हैं. द मैजिशियंस चेंट स्पेल्स फॉर एयन्स टू कम. वो एयन्स को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ते हैं. नाउ देर इज वन मोर क्वेश्चन इन योर बुक, राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू राइमिंग वर्ड्स. क्या होते हैं राइमिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो बोलते हुए एक जैसा साउंड करते हैं. तो ऐसे वर्ड्स को हमें अपनी पोएम से निकालना है और बताना है कि कौन से राइमिंग वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं. तो फर्स्ट इज डिस्प्लेड, राइमिंग वर्ड क्या है, ब्रोकेड. लास्ट में ड साउंड आ रहा है, डिस्प्लेड, ब्रोकेड, जेड. नेक्स्ट सिल्वर, एम्बर, र सिल्वर, एम्बर. राइस, स्पाइस, डाइस. ऑलमोस्ट लिखने में भी वही वर्ड्स रिपीट होते हैं, अदरवाइज कई बार नहीं भी होते हैं तो उनकी साउंड सिमिलर होती है. रिंग, विंग, किंग. प्लम, ड्रम, कम. रेड, बेड, डेड. ऑल दीज आर राइमिंग वर्ड्स. एंड नाउ देर इज़ वन मोर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जी. यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू एक्सप्लेन द गिवन टर्म्स फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द पोएम. क्या है, वॉट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स. पेडलर्स को क्या कहते हैं, तो इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज पेडलर, मैंने आपको बताया था, वॉकिंग सेल्समैन या ट्रैवलिंग सेल्समैन, जो पैदल चल के फेरी लगा के जगह जगह जाकर, जिसकी एक परमानेंट फिक्स्ड दुकान नहीं होती, ऐसे लोगों को कहते हैं पेडलर्स. नेक्स्ट
फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाईज विंग. ये होती है ड्रैगन फ्लाई, आपको पिक्चर दिख रही है. इसके विंग्स बहुत ही नाजुक हैं और बहुत ही जल्दी गिर जाते हैं, बहुत ही आसानी से. तो ये क्या होते हैं, नाजुक, तो हम कहेंगे डेलिकेट. नेक्स्ट थर्ड, टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड. तो क्या होगा, टू कवर डेड बॉडीज, टू कवर डेड बॉडीज. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विथ सम न्यू टॉपिक. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.